होएगी। नहीं बेटा उनकी क्लास मैंने मिशा जी, मिशा वो तो क्विज था आज। हाँ क्विज आपका कल होगा सही है। नो यस आवाज आई है नहीं कर देते मगर टीचर दो ब्लॉक लेंगी कल। इस कल आपका एक भी ब्लॉक नहीं होगा। हो सकता है क्योंकि मुझे ना लाइन चले ठीक है। अब मैं लेनी है उनकी क्लास। बड़े बड़े पहले टॉप हमने कल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? मास का। ओके वी लर्न अबाउट मास। नाउ व्हाट वी विल लर्न इज अबाउट और लीटर और मिलीलीटर होता है सिर्फ लिक्विड में। मैंने ये बता दिया था आपको। मास में क्या होते हैं भाई? क्या होता है मास में? किलोग्राम, ग्राम। लेकिन मास नहीं पढ़ता हमने। क्या पढ़ा? हाँ भाई ये अहमद अफजल। अहमद अफजल आई आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। अहमद अफजल क्या करते हैं कि अपना कैमरा बंद करते हैं, अपना माइक बंद करते हैं, सो जाते हैं। दैट्स व्हाई ही इज नॉट अनम्यूटिंग हिमसेल्फ। देखा कैच अप। हाँ भाई अंशरा अहमद अफजल की तो मैं नहीं लगाऊंगी। टीचर कल मैंने जो है ना क्लास अटेंड नहीं की थी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज की वजह से। दीस इश्यूज आर सो कॉमन नाउअडेज ना। इलेक्ट्रिक वालों को ख्याल होना चाहिए। ओके अंशरा म्यूट योरसेल्फ। अंशरा म्यूट योरसेल्फ। आई हैव टू लेस टाइम। ओके वफा हमने कल क्या पढ़ा था? व्हाट वी रेड यस्टरडे, व्हाट वी लर्न। आई एम आस्किंग टू वफा। तारिक सही। अच्छा एक बार क्या पढ़ा था? मैथ। मैथ मास तो पढ़ा था लेकिन क्या थे उसके यूनिट्स? क्या वो क्या थे यूनिट्स? क्या था मेजरमेंट्स? क्या थे मेजरमेंट यूनिट्स? क्या थे उनको हम कहते हैं? मेट्रिक यूनिट्स। सही है, ये भी याद रखने वाली बात है। रिमेम्बर दिस। वफा क्या था? वफा 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 आई नो यू कैन टेल मी वफा क्या था वफा? जल्दी क्या था? मास के क्या थे? हाँ अली अहमद खान। कैमरा सेट हो गया तो जल्दी से जल्दी से। मुझे लगता है किसी ने लिखा नहीं था इस वजह से वफा ने बताया नहीं। वफा ने लिखा टीचर हमने सामने होगा। टीचर वो लेक्चर था कि हमें कन्वर्टिंग करनी थी उसमें। क्या कन्वर्टिंग? क्या नहीं सर मुझे ये बताया मास के कौन कौन से मेजरमेंट यूनिट्स थे? मीट्रिक यूनिट्स। लीटर, लीटर, किलोग्राम, मास के। मास के अच्छा मास के थे। जब मैंने लिखा हुआ है लिख के देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मास नहीं कल मफा हमने पढ़ा था लेंथ और हाइट के बारे में। मास के बारे में तो आज पढ़ेंगे। हाँ तो भाई क्या था लेंथ और मास? जल्दी जल्दी बताओ ताकि मैं भी इतने में। टीचर लेंथ और हाइट में हमने वो सीखा था ये रहा। ये सीखा था वो सीखा था क्या सीखा था? मुझे लगता है किसी ने भी लेक्चर नहीं लिखा। मैं देखना आप क्वेश्चंस करूंगी ताकि मुझे पता चले कि कौन लेक्चर लिखता है और कौन नहीं लिखता। टीचर जो देखी नहीं कन्वर्टिंग की थी किसमें? उसको हाइट को लेंथ में और किलोग्राम को उसमें ग्राम में और लीटर को मिलीलीटर में। ये तो कल वाला लेक्चर नहीं था। यानी कि अली अहमद भी अपना लेक्चर नहीं लिखते। फरवा टीचर कल ही तो था। फरवा कल मास का हमने किया था या हमने उसका किया था लेंथ और हाइट का? मेट्रिक यूनिट्स किसके पढ़े थे हमने? I can't hear you. Parva, you, your, ये पता है क्या हमारी कुछ एंट्रीज होती है जिसमें माइक नहीं होता। हम समझते हैं
कि हमें आवाज आ रही है हमारी आवाज जा भी रही होगी, बट ऐसा नहीं होता. आपके हैंड फ्री में शायद माइक नहीं. यू नीड टू टेक इट ऑफ, यू नीड टू प्लग इट ऑफ एंड देन टॉक, बिकॉज आई कांट हियर यू. माइक भी, योर माइक इज नॉट वर्किंग. चाइना के होते नहीं हैंड फ्री, मेरे भी जैसे ही नहीं चलते, यही खराब होती फोन. However, your mic is not working. Take off the plug from your computer or laptop, whatever you are using right now. Take off it. Yes. Plug it off. Yes. Now tell me. What we read yesterday? हमने क्या पढ़ा था? मेरे पास सामने ही है, मैंने सामने ही खोल के रखा हूँ. I can't hear you still. Still I can't hear you. I don't know if there is problem with your लैपटॉप और व्हाट. यू कैन टेल मी इट इन चैट. चैट में नहीं पढ़ती. टीचर्स प्लीज स्पीक लाउडली एंड अनम्यूट मी. हूँ किरत 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 किरत. चैट में बहुत कम पढ़ती हूँ किरत. इफ यू वांट मी टू अनम्यूट यू जस्ट रेज योर हैंड एंड कीप रेजिंग योर हैंड अंटिल आई अनम्यूट यू. ओके हमाद किरत, आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट यू. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. देन आई विल आस्क वफा. देन आई विल आस्क हमाद. देन पता नहीं किसी ने फिर करनी है. जी किरत. यस टीचर. जी जी किरत बोले. टीचर रूलर की, टीचर मेजरमेंट की रूलर जो हमने कल पढ़ा. टीचर मैं क्या बताऊं किरत. किरत यू आस्क, यू हैव आस्क्ड मी टू अनम्यूट यू. टीचर रूलर की मेजरमेंट के लिए किलोमीटर यूज करें कर, और रेजर छोटी चीज के लिए मिलीमीटर. किलोमीटर रूलर के लिए. ओके हमने क्या पढ़ा था, बस हम ये बताएंगे. फिलहाल हम मेजरमेंट के लिए क्या यूज करेंगे बताते, हम ये बताएंगे. हमने जो है किलोमीटर, मीटर और क्या पढ़ा था, ये तो दो किरत ने बता दिया. हाँ हम आज और सेंटीमीटर. आई वांटेड टू आस्क जो हमने हाइट और लेंथ के बारे में पढ़ा था. देखे अब हम मैं बताती हूँ. बता दिया सही है. किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, हमने ये चार चीजें पढ़ी थी. और किसी ने मुझे अच्छा किरत के अलावा रिस्पॉन्स दिया. किरत के लिए क्लैपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल किरत के लिए क्लैपिंग. वेरी गुड. ना किरत के अलावा मुझे किसी ने सही आंसर नहीं दिया. दैट मीन्स यू आर नॉट राइटिंग डाउन योर लेक्चर्स. मैंने तो दिया. किसने दिया? ओके देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो सकता है कि आप रेज हैंड करें और मैं जो हूँ आपको अनम्यूट ना कर पाऊँ. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब मेरा बोर्ड खुला हुआ होता है ना, तो आपके सिर्फ चार ही स्टूडेंट्स मेरे बराबर में साइड में शो हो रहे होते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे. तो क्या पता आपने रेज हैंड किया हुआ हो और मैं जो हूँ आपको देख ही नहीं पा रही हूँ. एक मिनट शायद सही है, क्योंकि आप शो ही नहीं हो रहे हो मुझे. जब मैं आपको देखूंगी नहीं तो आपको कैसे अनम्यूट करूँ. सेकेंड थिंग, मेरे पास चैट भी शो नहीं हो रही होती जब बोर्ड खुला हुआ होता है या कोई चीज खुली हुई होती है. तो अगर मैंने कोई चीज खुली हुई तो आपका रेज हैंड करने का कोई फायदा नहीं. मैं क्या करूंगी उस वक्त, आपका रेज हैंड करने का कोई फायदा नहीं. आप नहीं करो क्योंकि मैं नहीं सुन पाऊंगी आपको. तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है पहले तो स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन करूंगी. उसके बाद आई विल आस्क यू ऑल कि बेटा नाउ रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू अस. इस तरह से बीच में इंटरप्शन भी नहीं होगी, इस तरह से कोई मिसहैप भी नहीं होगा. और मैं चैट बार बार नहीं पढ़ सकती ड्यूरिंग द क्लास. टीचर आई नोट डाउन लेक्चर. ओके वेरी गुड. सही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी और हम आराम से अपना पढ़ भी नहीं. सही. अब नाउ मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ. यहाँ पे हमारा आ जाता है किलोग्राम और ग्राम का. शामी मैं अभी आपको नहीं अनम्यूट कर रही, मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको पढ़ा के अनम्यूट करूँगी. ओके या मैं कर लूँ, बहुत ज़रूरी बात है. मेरा मुझे ज़रा ज़ोर से सर हिला के दिखाऊँ. काम है शामी, ज़ोर से सर हिला के दिखाएँ, बहुत ज़रूरी काम. ओके बहुत ज्यादा जरूरी काम. जल्दी से. जी बेटा जल्दी. टीचर आप जब आप उसमें होती हैं तो टीचर आप गैलरी में जाएं तो टीचर उस
वो सब बच्चों के नाम आ जाते हैं कि कौन रिजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। गैलरी में चल कहाँ पर यस टीचर टीचर नहीं फिर भी सब नहीं आते बेटा, मैंने वहीं पर ही हूँ मैं, फिर भी सब नहीं आते, मुझे एरोज यूज करने पड़ते हैं। माइट भी आप लोगों को आ जाते होंगे लेकिन मुझे नहीं आते, सही है। स्टिल मुझे ना एरो यूज करना पड़ता है टू लुक एवरी स्टूडेंट। अच्छा प्लीज डू नॉट मेक दीज एरोज, यू आर ऑल सो स्वीट स्टूडेंट्स, मैं हमेशा तारीफ करती हूँ। ये वाली हरकतें होती है, मैं फिर देखना भूल गई थी इसको किस तरह। ओके लिसन, आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी। ओके लिसन, हम क्या करेंगे फिर बंद करके मैं खोलूँ उसे, है ना। प्लीज रिमूव दिस, kindly remove this, जिसने बनाया है। It's a request from your teacher. Very good, thank you so much. पता टीचर को तंग करते हैं फिर अल्लाह भी आपको तंग करते हैं कि आपने टीचर को सिखाया था। टीचर तो पेरेंट्स के बराबर होती है, सही। अब नाउ हमने कन्वर्जन ऑफ हाइट और लेंथ देखा था, जिसमें किलोमीटर मीटर जो है सेंटीमीटर मिलीमीटर। नाउ हम आप कन्वर्जन ऑफ मास यूनिट देखेंगे। आपने कभी सुना है इतने टन का है ये? आपने कभी कभी आप जो है बकरा लेने गए, सही है, कभी आप जो है अभी बकरा ही आ रही है तो हम डायरेक्ट गाय और बकरे लेने जाते हैं। तो जब गाय और बकरे लेने जाते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जब हम आ जाते हैं गाय और बकरे खरीदने, तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये तो इतने टन का है, मतलब ये इतना भारी है। गाय के लिए खास तौर पे यूज करते हैं कि भाई ये इतना भारी है, इतने टन का है, वो ये नहीं कहते इतने किलोग्राम का है ना। समटाइम्स ये सुना है आपने कभी, टन सुना है आपने कभी, टन का आप कभी गौर कर लो, सही। माइट भी आपने ना सुना हो लेकिन कभी कभार हम जब जाते हैं ना कहीं ऐसी जगह पे, तो गाय और बकरों के लिए अक्सर गाय के लिए जो ये चीज ये वर्ड यूज किया जाता है कि भाई ये इतने टन का है। ये जो है केजी का जब होता है, जब बहुत हल्का पतला सा होता है तो उसके लिए केजी यूज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल जो बड़े बड़ी गाय और बड़े बड़ी भैंसों के लिए यूज करते हैं भैंस, तो जो है टन यूज करते हैं। ओके ना, तो टन तो वो हो गया, यानी कि टन हमारा सबसे मूव इट, टन हमारा सबसे बड़ा हो गया, सही है। ओके थैंक यू। ना उससे छोटा हमारा किलोग्राम हो गया, किलोग्राम तो सबको ही पता है भाई हम कहाँ यूज करते हैं, इतना किलोग्राम आटा, सही है, इतना किलोग्राम चीनी। उससे कम हमें चाहिए हो तो थोड़ी सी चीनी ग्राम चाहिए, थोड़ी सी चीनी चाहिए हो इतनी सी, तो हम कहते हैं कि भाई ग्राम। और अगर हमें ज्यादा चीनी चाहिए गोरी जितनी, तो हम कहते हैं भाई इतनी किलोग्राम, इतनी केजी चीनी चाहिए हमें। इसी तरह से एमजी, मिलीग्राम, मिलीग्राम तो बहुत ही छोटा सा हो जाता है, बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है, स्पून टू स्पून इतना ही हो जाता है, सही। अब नाउ यहाँ तक हमारा मैंने ये सेव भी किया हुआ, एक मिनट आई कैन शो यू, मैं दिखाऊंगी। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, एंड रेज हैंड कर दें अगर दिख रहा है आपको। दिख रहा है केजी, ग्राम, मिलीग्राम, एमसीजी। एमसीजी को सब छोड़ दें, एमसीजी सबसे छोटे ही होता है माइक्रोग्राम। माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटा, सही है। तो ये तो भाई माइक्रोग्राम का मतलब ये तो हो गया एक शुगर का एक छोटा सा क्यूब, सही है, ये इतना हो गया। तो केजी हमारा इतना सारा नहीं हो दिख रहा। अच्छा एक मिनट में दोबारा शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ओके नाउ अब दिख रहा है, एवरीवन कैन सी। ओके नाउ तो हमारे पास होता है भाई, हमारे पास जो मास में मेट्रिक सिस्टम होता है वो होता है टन। टन तो बहुत ही ज्यादा हैवी चीजों को हम कहते हैं टन, जिसमें बहुत हैवी आ जाता है, जैसे बड़े बड़े भैंस आ गए, बड़े बड़े गाय आ गई, अभी फिलहाल उसी एग्जाम्पल को रखते हैं, सही है। दूसरी किलोग्राम, किलोग्राम हम जो है कोई भी खाने पीने की चीजें हम जब लेने जाते हैं उसमें यूज कर लेते हैं, या कोई भी लोहा या कोई भी चीज जो अपना एक वजन रखती है, अपना एक मास रखती है, उसके लिए हम, और ज्यादा मास रखने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। व्हाट वी यूज, किलोग्राम। ओके उससे कम मास रखने के लिए ग्राम। ये जो इमेजेस बनी हुई ना, ये इसी की इमेजेस बनी हुई। ज्यादा मास है तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज कर लेंगे, कम मास है तो उसके लिए ग्राम, उससे कम है तो उसके लिए मिलीग्राम, और अगर बिल्कुल ही कम है, मतलब ये बिल्कुल हर चीज को मास कंटेन करती है ना, इवन अ शुगर क्यूब कंटेन सम मास, नॉट मास, सही, इवन अ शुगर क्यूब कंटेन सम मास,
उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, माइक्रोग्राम. ओके जी उमर, आई कैन सी स्क्रीन पे कौन बना रहा है, इसे कौन कर रहा है स्क्रीन पे, हम लोग को देख ही नहीं रहा. एरोस तो क्रिए, एरोस तो पूरा ग्रीन कलर कर दिया, फिर ब्लू कलर के एरोस. कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है ना, जब फिर अल्लाह जो है ना, फिर अल्लाह सजा देंगे ना, जब फिर उंगली चलेगी, हाथ में कोई कट लगेगा या कुछ ऐसा होगा, तो फिर मिस की याद आएगी कि मिस कह रही थी कि ना करें. अभी भी मिटा सकते हैं. टीचर आप टीचर होस्ट हैं तो इसको पूरा मिटा सकती हैं. नो, आई कांट सी एनी ऑप्शन ओवर हियर टू रिमूव इट. टीचर आप स्क्रीन शेयरिंग पे जाएंगी तो इस पे बना हुआ होगा एक एरो, तो उस पे आप क्लिक करेंगी ए ओ एन ए ओ डबल एन ऐसी कुछ करके ओ टी. मुझे जरा बताएं कहां मैं तुम्हें नहीं दिखता. हां स्क्रीन शेयर में गए गए टीचर. वीडियो खुल गया और टीचर स्क्रीन नहीं आई. स्क्रीन शेयर पे जाऊं मैं, स्क्रीन खोलूं? नहीं नहीं बेटा, वो जो है सिर्फ व्हाइट बोर्ड के लिए है. पिक्चर कोई शो करे ना तो उसके लिए नहीं है वो ऑप्शन. व्हाइट बोर्ड के लिए क्लियर ऑल ड्राइंग्स, लेकिन उसके लिए नहीं, तो वो सबकी क्लियर हो जाती है, लेकिन उसके लिए है ही नहीं. लेकिन फिर भी मैं जरा नेट पे सर्च करूंगी, कोई मुझे मिल जाए किसी तरह से कुछ ये ना आए स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत गंदी बात है, ये बहुत इनमैनर्ड है, इनमैनर्ड सी बात है कि आप जो इतने बड़े बच्चे होकर उस तरह की चीजें. ओके ये चीज आप लोगों को क्लियर थी, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेके सेव कर लिया अपने फोल्डर में. अब ये मत बोलना नहीं मिस, लेक्चर तो सेव करना है ना तुमको. आप लोग को स्क्रीन शॉट लेके सेव तो करना. अच्छा टन में वो यहाँ पे तो बना नहीं हो सकता, बहुत ही बड़ा होता है टन दिखाई, तो टन उसका याद रखेगा. और ये पांच होते हैं एम सी जी, माइक्रोग्राम भी, और जनरल नॉलेज याद रखना है हमने, लेकिन इस पे हमने अभी ध्यान काम रखा, इस पे काम बहुत कम होता है. ओके अगर हम लोग स्कूल में होते हैं तो ये ब्लॉक हम लोग का वो होता ना, क्या कहते हैं, ये ब्लॉक हम लोग का गेम, हम लोग खेल होते ना गेम्स. अभी आप गेम खेलवाती हैं हम लोग को. ओके अब मैं दूसरी, दो घंटे लेंगी क्लास. दो घंटे नहीं भाई, हाफ आवर की होती है, दो क्लासेस हुई तो दो आवर, वन आवर की होगी. मैं दो घंटे ले लें. ओके नाउ कन्वर्टिंग मास यूनिट, सही, टन किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम. अब यहाँ पे वहाँ पे तो डिफरेंट है ना, वहाँ पे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना हो सकता, मीटर से सेंटीमीटर पे जाने के लिए हंड्रेड, और सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए टेन से. ये सबको याद होना चाहिए. अगर आप सबको याद नहीं होगा ये, तो आप लोग का क्विज या टेस्ट अच्छा नहीं होगा. तो पहले ही दो सेकेंड, सिर्फ दो मिनट. ओके अभी अभी सब चीज कर रहे हैं हम लोग. आपको भी बोल देती हूँ मुझे. जी टीचर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना दोनों की डबल क्लास ले लिया. जी मेरी याद डबल क्लास. जी हमार टीचर मैंने इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लिया. वेरी गुड वेरी गुड. जी आयान मेरी आज डबल क्लास में, आपको सिर्फ यही पूछना था, तब से तो मैं कह रही हूँ. तस्वीर नहीं लेनी, स्क्रीनशॉट लेना, तस्वीर में तो सभी आ जाए. ओके नाउ मैं भी आ जाऊंगी छोटी सी. ओके नाउ अब हमने क्या करना है, मास कन्वर्जन यूजिंग हंड्रेड एंड यूजिंग क्रिएट फेयरली लार्ज नंबर. देखिए ये चीज याद रखनी है ना, पहले टन आएगा, फिर किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर मिलीग्राम. तो आप लोगों को ये चीज याद रहेगी कि भाई टन से किलोग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड, ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड. इसी तरह से छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइडेड बाय थाउजेंड, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइडेड बाय थाउजेंड, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइडेड बाय थाउजेंड. ये बूंदाबांदी कौन बरसा रहे भाई? बूंदाबांदी ना करो, चलो ओके आंधी आया. ओके यहाँ तक हमारा क्लियर है. अब सब अब मैं कॉल ही नहीं, अब मैं कॉल ही नहीं, अब हम कॉलेंगे वाशी. मुझे लगता है अली अहमद करते हैं. अली अहमद जरा दूर होकर बैठना, बहुत ही दूर होकर बैठना, जरा हाथ भी ना लगे.
ओके या किरक करती है, ये किरक करती है ना, क्या चीज है, कुछ नहीं बूंदाबांदी की बात कर रही थी बेटा। ओके ओके अब हम करते हैं वर्कशीट। आपके पास एक मिली लीटर लीटर की वर्कशीट रखी हुई होगी, आप जरा देखें सब लोग, मैं दिखा देती हूँ कौन सी, अल्लाह मुझे ढूंढनी पड़ेगी, वेट I really enjoy talking to you all. I really enjoy teaching you all. Because you all are so sweet students. मुझे बड़ा मजा आता है आपको पढ़ाने में। मैं कहाँ से जाऊँ? ये वाली टीचर मुझे दिखेगा ना, हाँ माय गेस यही वाली, जी 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 एक मिनट मुझे भी ढूंढने का है, आज टाइम ज्यादा है नहीं, हाँ मिल गई मुझे, इजी पीजी बहुत ही इजी है, हमने इतना सारा लेक्चर ले लिया है ना, ये तो बहुत ही इजी है, इसको तो आपको कन्वर्ट ही नहीं करना है फिलहाल, इसमें आपको अब एक मिनट मुझे देखना है कन्वर्ट करना है। ओके कैन यू ऑल सी इट, आपको ये वाली वर्कशीट लेनी निकाली निकाली सबने वर्कशीट, उमर महमूद उमर मसूद निकाली नहीं वाली वर्कशीट लेने, जी जी आयान जी जी आयान मिस मैंने ये वाली वर्कशीट भी कर ली है, वाय किसने कराई, हु सेट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ, हां जब तक मैं ना कराऊं कांट डू इट, ओके नेक्स्ट टाइम बी अवेयर ऑफ इट। सबको मिल गई है तो मैं कंटिन्यू मैं स्टार्ट करूं, यस मिस, ओके 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 वेल डन वेरी गुड, ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सो सो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन अचानक से आंसर देना स्टार्ट नहीं करते। आयान, यू आर अनम्यूट राइट नाउ, म्यूट योरसेल्फ। ओके हम सबसे पहले तो जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि ये हमसे बोला क्या जा रहा है, या क्वेश्चन आंसर देना फौरन स्टार्ट नहीं करते, आंसर फौरन स्टार्ट करते ना तो देना तो बेवकूफ होते, सही है? तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एड द फॉलोइंग्स एंड गिव योर आंसर इन मीटर्स, सही है? इन्होंने क्या कहा है कि भाई इन सबको ऐड करके आपको अपने आंसर किसमें देने हैं, मीटर में, तो यानी किलोमीटर को ऐड करके आंसर देना है मीटर में, तो भाई सिंपल हमारा एडिशन तो है नहीं, है नहीं है ना एडिशन, ए 2+5 अगर हम 2+5 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7, लेकिन हमारा जो किलोमीटर है वो तो नहीं हटा, हमें आंसर किसमें चाहिए, इसमें चाहिए मीटर में, तो सिंपल हम पता है इसे क्या करेंगे, हम जो है ना आंसर लाके उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और हमें पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सब भूल गए कल का लेक्चर, सब भूल गए सब भूल गए सब भूल गए सब भूल गए, क्या करना है, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर याद है हम टीचर डिवाइड, किलोमीटर बड़ा है ना, पापा मीटर छोटा, तो हम क्या करेंगे बड़े से छोटे पे जाने के लिए, और लिया ने कल क्लास अटेंड नहीं की थी उनको मैं कुछ नहीं कहूंगी, जैनब जफर हाँ जी टीचर, मेरा कल लाइट नहीं थी इसलिए मैंने भी कल क्लास अटेंड नहीं की थी, ओके ओके वरवा फरवा सहरा फरवा सहरा, जल्दी से बताएं क्या करेंगे हम, रेज हैंड, एक मिनट में पूछती हूँ, फरवा सहरा की तो मुझे आवाज ही नहीं आती, फरवा सहरा कल से आपने अपना माइक सही करके बैठना है या तो आप मुझे चैट पर बताया करें, ओके किरण जी जी किरण जी किरण
मैं आपसे बोला ये वाली वर्षी करनी है ना बेटा, मैंने खोली भी है ना बाहर। अरे इंक पेन से कर सकते हैं क्या? पॉइंटर ब्लू पॉइंटर से ही इंक पेन। तेरा जल्दी से मुझे बताएं आंसर करने के लिए था। यार पापा की बातें सुनो, टीचर बारे आपकी मम्मा की आवाज आ गई थी। किरण मुझे आपकी मम्मा की आवाज आ गई। किरण आपको आंसर खुद देने हैं। टीचर जो इससे पहले वाला था वो मैंने खुद ही दिया था, यही पूछा है। अच्छा चलो वेरी गुड किरण, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, आपने खोला हुआ होगा ना जाहिर, तो आपने आंसर दिया। आप लोगों ने कल का लेक्चर खोला हुआ, आप कल का लेक्चर खोल के रखो तो आप फौरन फौरन आंसर। वेरी गुड, तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, बड़े को छोटे में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई था, सही है। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हंड्रेड से था, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए टेन से था, कल हमने ये भी पढ़ा था। नाउ अब मैं इस सवाल को जरा आप गौर से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का अपनी वर्कशीट खोल लिया, मैं इसको शेयर करती हूँ, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। नाउ हमारे पास है क्वेश्चन टू किलोमीटर आई गेस, टू किलोमीटर प्लस फाइव किलोमीटर, सही है। टू किलोमीटर प्लस फाइव किलोमीटर, आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल हम किलोमीटर में आंसर दे रहे हैं, मीटर में नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सेवन, दो दो से पांच चला रहे, सेवन किलोमीटर। मिस हाँ, मुझे आवाज आ गई है, म्यूट है आप फिर भी आवाज आ गई, सही है। ये फिलहाल ओप्स